5000 रुपए के लिए तीसरा सवाल मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए। किसी कंपनी के नाम में PVT LTD क्या होते हैं? ए प्राइवेटली अनलिमिटेड, बी पीपल वैल्यू ट्रेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्लीज वैलिडेट। इट्स सी प्राइवेट लिमिटेड। भाव को कहूं फ्रीज कर दें? जी बिल्कुल। तो कहिए भाव फ्रीज कर दीजिए। भाव फ्रीज कर दीजिए। ओके भाव सी फ्रीज कर दीजिए। एंड यस सी प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर। 5000 रुपीज टू यू पद्मा। थैंक यू। वेरी गुड। चौथा सवाल 10000 रुपए के लिए है, लेकिन इससे पहले कि आपसे सवाल करूं दर्शकों से बात करता हूं। हमारे घर बैठे दर्शकों के लिए पेश है हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट, यानी पूरे 2 लाख रुपए जीतने का मौका। तो तैयार हो जाइए, आज का सवाल है ये। रामायण के अनुसार इनमें से कौन पक्षी था? 1 अंगद, 2 संपाति, 3 सुग्रीव, 4 हनुमान। अगर आपकी उम्र, एपिसोड के आखिर में मैं इस सवाल का जवाब बताऊंगा, और उससे पहले आपको अपना जवाब फ्रीज करना है, तो जल्दी 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 कीजिए। एंड पद्मा yes. मेरी तरफ देखिए। बिल्कुल। अभी सवाल नहीं करता हूं। एक छोटी सी बात है, मुझे किसी ने बताई कि एक्टर बिना रीटेक के, बर्थडे बिना केक के और टेलीविजन बिना ब्रेक के कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप जल्दी से वापस आ जाइए, क्योंकि मैं और पद्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे साथ बैठी हुई हैं पद्मा, जिन्हें हाथी बहुत पसंद हैं। चौथा सवाल 10000 रुपए के लिए है, और भाव चौथा सवाल 10000 रुपए के लिए पेश किया जाए पद्मा जी से। रामायण के अनुसार श्रुतनखा रावण की कौन थी? ए पत्नी, बी माता, सी बहन, डी भांजी। सिस्टर। सिस्टर। कच्चा कच्चा पक्का पक्का? पक्का 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 पक्का। ये तो आसान से। मिस्टर कंप्यूटर फ्रीज कर दीजिए। सी सिस्टर। एंड यस सी सिस्टर इज द राइट आंसर। 10000 रुपीज टू यू। यू प्लेइंग वेरी वेल। अभी भी हाथी के लिए कम है। हाँ? हाथी के लिए तो कम है। हाथी की तो टांग भी नहीं आएगी इसमें, पूंछ भी नहीं निकली अभी तो, मगर हो जाएगा जरूर इंशाल्लाह। आप जैसा खेल रही हैं पहले पड़ाव की तरफ पहुंच रही हैं। 20000 रुपए के लिए पांचवा सवाल आपसे पद्मा। मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए फिफ्थ क्वेश्चन। RSS संगठन के नाम में पहला S क्या है? ए संघ, बी संघर्ष, सी समाज सेवक, डी स्वयं सेवक। डी स्वयं सेवक। कच्चा कच्चा है कि पक्का पक्का है? पक्का पक्का। मिस्टर कंप्यूटर डी स्वयं सेवक फ्रीज किया जाए। समाज सेवक नहीं है। डी स्वयं सेवक इज राइट। मैडम आप पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं, यानी आपके पास एक नई लाइफ लाइन है, जिसका मतलब है फ्लिप द क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन अच्छा ना लगे, सवाल अच्छा ना लगे तो बदल दें। जो आप टीचर स्कूल में बिल्कुल चॉइस नहीं देती हैं स्टूडेंट्स को, कि अच्छा नहीं लगे तो बदल दो, करो। ओके, छठा सवाल 40000 रुपए के लिए, सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर रुपीज 40,000। मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए। फिल्म ओमकारा विलियम शेक्सपियर के किस नाटक पर आधारित है? ए हैमलेट, बी ओथेलो, सी मैकबेथ, डी रोमियो एंड जूलियट। फिल्में देखती हैं? देखती हूँ बिल्कुल, ओमकारा देख चुकी हूँ। शेक्सपियर तो बहुत पढ़ा होगा, टीचर हैं आप। बट इट्स वेरी नर्व रैकिंग यो। आई थिंक इट्स हैमलेट। You think it is Hamlet? Yes, I think it is Hamlet. कच्चा कच्चा है पक्का पक्का? बीच में है। कच्चे और पक्के के बीच में? जी। कक्का है? Sorry. मेरे jokes मुझे माफ कर दीजिए। I think I'll use a lifeline. You like to use a lifeline? Good choice.
कभी भी आप अगर उधेड़बुन में हो तो जल्दी से लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए. कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? I'll take an audience poll. Audience poll, Mr. Computer. पद्मा अपना ऑडियंस पोल लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं. ऑडियंस रेडी हो जाए. सवाल आप लोगों के सामने है. फिल्म ओमकारा विलियम शेक्सपियर के किस नाटक पर आधारित है? चॉइसेस ए हैमलेट, बी ओथेलो, सी मैकबेथ, डी रोमियो एंड जूलियट. जल्दी से अपने पोल पैड्स पर ए बी सी डी दबाकर पद्मा की मदद कीजिए. आपका वोटिंग का टाइम शुरू होता है नाउ. थुम 86% ऑडियंस को लगता है और फेलो है. आपके जैसे चार लोग और हैं जिन्हें लगता है हैमलेट है 4%, मैकबेथ 5%, रोमियो एंड जूलियट 5%. ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा. ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे. मिस्टर कंप्यूटर, बी ओथेलो प्लीज फ्रीज इट फॉर पद्मा. ऑडियंस को लगता है आंसर ओथेलो और मिस्टर कंप्यूटर को भी लगता है आंसर ओथेलो है. बी इज एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया. एक्चुअली हमें करना चाहिए था कि आपके स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिठाते और उनसे पोल दिलवाते. नो, वही मैं इतनी डरी हुई हूँ कि अगर किसी आसान सवाल पर मैंने जवाब नहीं दिया तो स्कूल में जाके इतना मिस यू कुडंट आंसर दिस. लेकिन इसके लिए बच्चे जरूर बोलेंगे. वो जरूर बोलेंगे. फिल्म का क्वेश्चन आप फिल्म हमें भी देखने मना कर दिया. आप भी फिल्म में देखा कीजिए और सारी फिल्में शाहरुख खान की देखा कीजिए. ओके, फिल्मों की थोड़ी सी बात करेंगे और जब तक हम फिल्मों की गुफ्तगू करेंगे ऑडियंस को यहाँ से जाने देते हैं. वो भी जाएं, जल्दी से जाएं और कुछ चाय वाय बना के फटाफट वापस आ जाएं क्योंकि मैं और पद्मा आपका इंतजार कर रहे हैं. प्लीज गो फॉर अ ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक सो सून. मेरे साथ बैठी हैं पद्मा, जो मुझसे पूछ रही थी अभी, और मैं सुनील साहब को भी बता दूं कि आप स्क्रीन पे बहुत 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 प्रिटी लग रही. बिल्कुल भी घबराइए मत. सुनील, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग. यू मस्ट बी द ओनली मैन हुज गॉट कॉम्पिटिशन फ्रॉम एन एलिफेंट. देखिए ऐसे कमाल. ऑलराइट, सातवां सवाल है 80,000 रुपए के लिए. तीन लाइफलाइंस बाकी हैं, सिर्फ 9 सवाल दूर हैं आप 2 करोड़ रुपए से और इंशाल्लाह आप जीत कर जाएंगी. सेवेंथ क्वेश्चन फॉर पद्मा. मिस्टर कंप्यूटर, पेश किया जाए. सवाल है, मानव शरीर में इनमें से क्या जोड़े में पाया जाता है? ए हृदय, बी अंडाशय, सी अपेंडिक्स, डी अग्नाशय. हार्ट तो आई नो फॉर डेफिनेट फॉर श्योर एक ही होता है, अपेंडिक्स भी एक ही होता है. तो ये दो तो नहीं, आपको ऐसा लगता है? ओवरीज. ओवरी और पैंक्रियास. इट्स बी ओवरी. श्योर अबाउट ओवरी? और फ्रीज कर दूं? जी ओवरी है. ओवरी है. ओके, देखते हैं. मिस्टर कंप्यूटर, बी ओवरी को फ्रीज कर दीजिए. कुछ तो चेहरे पे दिखा दीजिए, गलत है सही है. नहीं, मैं सुनील को भी लगता है कि पैनक्रियास